एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटिक्स बुक के बारे में कि इसको हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं इफेक्टिवली। जो मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में, जिस तरीके से मैंने पर्सनली पढ़ा इस बुक को और इस बुक को अपने यूज में अपने काम में लिया बिफोर द नॉसेट एग्जाम। ओके, सो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले आई विल शो यू माई पर्सनल एंटिक्स ऑन दिस बुक। तो ये जो है आपके पास एंटिक्स ऑन दिस की अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, अगर बुक नहीं है, इनकेस अगर आपके पास बुक नहीं है, आप बुक लेने वाले हो तो बेटर है कि बुक लेने से बढ़िया है कि आप इस तरीके से फोटो कॉपी की बाइंडिंग करा लो। उसके दो फायदे हैं। पहला फायदा, सीधा सीधा फायदा है कि आपकी 2000 की या 2500 की जो बुक आ रही है वो आपको 500 रुपये की पड़ेगी, क्योंकि इट्स अ फोटो कॉपी, ठीक है। दूसरा आपका जो दूसरा जो मेजर बेनिफिट है अपार्ट फ्रॉम मनी वो ये है, वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस बुक को पढ़ते वक्त जो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि और बुक्स हैं जो कि सिंगल लाइन क्वेश्चंस भी देती हैं, फॉर एग्जांपल टारगेट हाई हो गई या पिया यादव हो गई, उसमें अगर आप डेली का टारगेट 200 या 300 क्वेश्चन सेट कर रहे हो तो एंटिक्स आपको ऐसा नहीं करना है। द एग्जाम इज नॉट ऑल अबाउट एंटिक्स। अगर आप प्रीवियस एग्जाम उठा के भी देखोगे तो आपको पता चला कि वो एंटिक्स की थ्योरी जरूर ले रहे हैं, बट एंटिक्स जैसे क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। अभी इतना भी ट्रेंड नहीं कर रहा है एंटिक्स कि आपको एंटिक्स के 10 से भी ज्यादा देखने को मिले हो प्रीवियस किसी एग्जाम में, राइट? तो मिनिमम 10 भी आ गए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो अब इतना कोई वरी वाली बात नहीं है कि सब लोग सिर्फ एंटिक्स के पीछे पड़ जाओ और लास्ट के महीने में आप एंटिक्स ही पढ़ जा रहे हो, ऐसा आपको ये गलती नहीं करनी है। सो अगर आप एंटिक्स के 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन भी कर रहे हो डेली, दैट इज इनफ फॉर यू, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर होता है एंटिक्स में। तो अगर आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो तो इसका मतलब 100 क्वेश्चन डेली डील कर रहे हो एंटिक्स के, ठीक है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि काफी सारे लोगों को एंटिक्स के क्वेश्चन कभी समझ ही नहीं आते, मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, है ना, उसको कैसे उसको उसके आंसर को फाइंड करना है। तो उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैंने पर्सनली अपने चैनल पे एंटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं और किस तरीके से सॉल्व किए हुए हैं, स्ट्रेटेजी बताई हुई है। तो वो 2-4 वीडियो जो भी पढ़े हुए हैं वो आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा मोटा मोटा कि एंटिक्स के क्वेश्चन कोई हुआ नहीं है, इट्स सिंपली लैंग्वेज गेम, या लैंग्वेज बैरियर बन रही है बीच में, उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो उनको उन वीडियो से थोड़ी हेल्प। तो डू चेक उन वीडियोस को, आप चेक कर लेना एक बारी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूँ इस बुक से, मेन फायदा आपको थ्योरी का लेना है ऑब्वियसली, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इस बुक से थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपके सर के ऊपर से जाएगी। मीन्स आपको जो थ्योरी है ना वो एक्चुअली, जैसे मैं पीआर यादव या टारगेट हाई की बात की मैंने, तो उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट ब्रूनर सिद्धार्थ की 90% जो थ्योरी है उसको इन्होंने शॉर्ट में कवर करने की कोशिश की, इन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है कंपाइल फॉर्म में इस बुक के अंदर। तो थ्योरी इसीलिए ऊपर जा सकती है कि काफी सारे पॉइंट्स छोटे 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 ऐसे होंगे जिनके रैशनले नहीं दे रखे बुक में, क्योंकि अब हर चीज का रैशनले देंगे वो साथ में, तो ये बुक इतनी बन जाएगी, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं और सारे सब्जेक्ट की सारी चीजें हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट हैं, है ना। तो फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि थ्योरी जो है वो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगी और आपको बहुत टाइम कंज्यूम करने वाली है, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। एटलीस्ट 30-40 डेज तो कहीं नहीं गए इस बुक को कवर करने के लिए। तो इसलिए अगर आपके पास 30-40 डेज का टाइम है, मींस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेप्टेम्बर वाला नॉसेट, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस बुक। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसके थ्योरी पोर्शन पे भी मत जाओ, एमसीक्यूज पे जाओ सबसे पहले, एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन रिवर्स ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सॉल्व एमसीक्यूज एंड देन चेक रैशनली, दैट्स ऑल। इफ यू हैव इनफ टाइम देन एमसीक्यूज करो और उसके बाद आप थ्योरी पोर्शन करो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि इस बुक में ना आपको काफी सारे बॉक्सेस मिलेंगे और उन बॉक्सेस को आपको इग्नोर नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कुछ बॉक्सेस होंगे, अगर आप पूरी थ्योरी नहीं पढ़ पा रहे हो, पूरी थ्योरी पढ़ भी ली है तो रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि इसको एक बार पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है इसको, तो आप इस तरह के बॉक्सेस जरूर रिवाइज करके जा सकते हो। जैसे असेसमेंट फाइंडिंग्स है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, यहाँ पे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शंस है कि अगर आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म सस्पेक्ट कर रहे हो तो आप प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शंस क्या लोगे। तो ये दीज बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स क्वेश्चन डायरेक्ट इन बॉक्सेस से ही आ जाता है, जैसे रिस्क फैक्टर्स फॉर टीबी। तो ये जो बॉक्सेस है ना ये आपको अवॉइड नहीं करने हैं। लास्ट टाइम पे अगर आप रिवीजन में कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप इस बुक के एमसीक्यूज कर लो और ये बॉक्सेस कर लो, दैट इज इनफ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी पॉइंट्स आपको ऐसे मिल रहे हैं जो कि डायरेक्ट दे रखे हैं बुक में, उसके रैशनलिस आपको वहीं के वहीं स्टिक कर देने हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फियोक्रोमोसाइटोमा, तो इसके जब हम असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट में यहाँ पे पेन इन द चेस्ट भी मिलता है, तो पेन इन द चेस्ट क्यों मिला मुझे नहीं आया समझ, तो मैंने क्या किया रैशनली फाइंड किया और यही लिख दिया कि पेन इन चेस्ट क्यों मिल रहा है बिकॉज ऑफ मास इफेक्ट ऑफ लिवर, हेमरेज हुआ, नेक्रोसिस हुआ, रप्चर हुआ ट्यूमर का और वहां इसीलिए यहाँ पे पेन मिल रहा है। डायफोरेसिस क्यों मिल रहा है, क्योंकि डायफोरेसिस बेसिकली कंट्रोल किया जाता है सिंपैथेटिक सिस्टम के थ्रू और ये एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर है, इस वजह से यहाँ पे ये भी हैम्पर हुआ है ये चीज। इसी तरीके से आप जो है मेरी बुक में कुछ कुछ स्टार पॉइंट्स देख रहे होंगे, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं आपको समझाना। जब आप इस बुक को फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको हर लाइन इतनी इंपॉर्टेंट लगेगी कि आप पूरी बुक को रंगों से भर दोगे, तो जब पूरी बुक ही भर दी तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे रिवाइज करना है, फिर नेक्स्ट टाइम पूरी बुक ही रिवाइज करोगे क्या, नहीं ऐसा नहीं है। जब मैंने इस बुक को फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मैंने लिटरली इस बुक का ये हाल कर दिया था, आप देख सकते हो हर एक लाइन को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, सारी बुक को मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे आपको मतलब रिवाइज करते वक्त समझ नहीं आया कि कौन सी लाइन पढ़नी है या पूरी बुक ही दोबारा पढ़नी है क्या। जब आप ऐसे करोगे तो लिटरली आपको फर्स्ट टाइम पे ऐसा लगेगा कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है यार, इसमें छोड़ना क्या है, पर जब सेकंड टाइम आप इसका रिविजन लोगे ना तब तक आपकी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी होंगी दिमाग में, है ना, आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई क्वेश्चन एक्चुअली कहाँ से आते हैं या कौन कौन सी चीजें मुझे सच में याद हो चुकी है, कौन कौन सी चीजें ऐसी जो मुझे याद भी नहीं हुई है और जिनपे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो उनको आपको ऐसे स्टार पॉइंट्स में रखना है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। लास्ट टाइम रिवीजन आप पूरी बुक का तो नहीं कर पाओगे ना, तो फिर आपको वो स्टार पॉइंट्स ही काम आएंगे, बट ट्रस्ट मी फर्स्ट टाइम पे आपका हाथ रुकेगा ही नहीं, आपको लगेगा पूरी बुक को पोत दिया जाए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि अपनी बुक को ही अपनी नोटबुक बना लीजिए, मीन्स अगर आपके पास बहुत अच्छा टाइम है तो आप इस बुक के साथ इस तरह का एक छोटा सा नोट पैड कैरी कर सकते हैं जिसमें आप हर एक यूनिट के नोट्स बना सकते हैं अलग से, अदरवाइज यू कैन डू दिस जो मैंने किया। एमएसएन का आई एंड ईयर डिसऑर्डर्स कम्प्लीट करने से पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को भी कवर करना था बिकॉज काफी टाइम हो गया फर्स्ट ईयर को, तो मैंने यहाँ पे आई का अच्छा सा ब्यूटीफुल सा डायग्राम, और डायग्राम ऐसा होना चाहिए कि जिसकी लेबलिंग में ही हर चीज क्लियर हो जाए, लेबलिंग में ही हर चीज क्लियर हो जाए, मतलब अगर आपको सीलियरी बॉडी पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा सीलियरी बॉडी के बारे में दैट इट सीक्रीट एक्वस ह्यूमर एंड इट कनेक्ट आयरिस टू कोरोइड, सो इफ क्वेश्चन कंटेन्स सीलियरी बॉडी की क्या है क्या नहीं है तो हम यहीं से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये पूरे आई की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लियर है विद डायग्राम, तो अब आप आगे जो पढ़ोगे जो भी चीजें पढ़ोगे वो आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना। लेकिन अगर आप सीधे एमएसएन शुरू कर दोगे कि हाँ सब आता ही है तो बीच बीच में से बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि यार एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लेकिन आप अलग से पढ़ने मत बैठना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, वो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। जस्ट एक ओवरव्यू के लिए आप हर एक यूनिट से पहले इस तरह के एक पेज लगा सकते हो और उसमें आप अपने इंपॉर्टेंट एनाटॉमी हो गई किसी चीज की इंपॉर्टेंट या किसी चीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, जैसे मैं और दिखाती हूँ, जैसे ये हार्ट कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स पढ़ने से पहले ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो मुझे उस और अच्छे से मतलब जो और इम्पोर्टेंट लगे या इस चैप्टर के अंदर से ही जो मुझे लगे कि हाँ अलग से लिख लेनी चाहिए क्योंकि बुक में तो बहुत ज्यादा ही दे रखा है, तो एक थोड़ा सा अलग से इनको थोड़ा हाईलाइट कर लेना चाहिए। तो मैं जो आपको कह रही थी ना स्टार्टिंग में कि बाइंडिंग का मैं दूसरा फायदा बताऊंगी, तो बाइंडिंग कराने का, बुक को बाइंड कराने का जो दूसरा फायदा है वो यही है कि आप इस तरीके के पेजेस बहुत सारे बीच में लगा सकते हो बुक के, क्योंकि अगर आपके पास नॉर्मल बुक होगी तो उसमें इतना गैप नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपको बाइंडिंग की वजह से ये गैप मिलता है, ये गैप की वजह से आप इसमें जितने चाहे उतने A4 पेजेस स्टिक कर सकते हो और आपके नोट्स भी तैयार होते जाएंगे साइड बाई साइड, आपको अलग से एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, अलग से नोटबुक उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक पेज और दिखा दे रही हूँ, यहाँ पर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस और हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोनिक सिंड्रोम, ये दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने इस तरीके से लिख लिया बिकॉज ये बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही इनसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो यहाँ पे जब दोनों का डिफरेंस क्लियर है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस तरीके से बीच में आप मन चाहे जितने पेजेस लगा सकते हो इस बुक में बिकॉज क्योंकि आपके पास ये स्पाइरल आपको मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप इस बुक को पढ़ते हो तो काफी सारे एमसीक्यूज होते हैं जो आपको आ जाते हैं और आप उसके रैशनली स्किप कर देते हो टाइम की कमी की वजह से, है ना। तो मैं ये कहूंगी कि जो भी एमसीक्यू आपको आ रहा है या भले ही नहीं आ रहा है या फिर आ रहा है जो भी है आपको उसका रैशनली जरूर पढ़ना है, क्योंकि रैशनली हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमको क्वेश्चन नहीं आया है इसीलिए हम रैशनली पढ़ रहे हैं, नहीं, जो क्वेश्चन हमें आया है उसका रैशनली भी ट्रस्ट में हमें कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन देके जाएगा हमारे अगले 2-3 क्वेश्चन के लिए, या फिर वो क्वेश्चन जो उस वक्त दे भी नहीं रखे हमें बाद में काम आएगी वो नॉलेज, ठीक है। तो हमें रैशनली सारे पढ़ने हैं। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिविजन,
सो डू रिविजन, एटलीस्ट 2 or 3 रिविजन आपको जरूरी है। और मैं ये कहना चाहूंगी उसमें भी अगर आप थ्योरी के ना कर पाए तो एमसीक्यूज के तो करने ही करने हैं। थ्योरी का आपको 1 reading में भी बहुत टाइम जाने वाला है, क्योंकि अभी हमारे पास 9 सेट के लिए टाइम कम है, तो हमें मोस्टली फोकस करना है एमसीक्यूज। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इस बुक से रिलेटेड यही है कि इस बुक को लेके बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में जाते हैं कि बुक के एमसीक्यू से सॉल्व हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि इस बुक को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या इस बुक के एमसीक्यू नहीं लगा पा रहे हो तो नॉर्थ सेट क्लियर नहीं होगा, नो है ना। तो एंक्लिक्स को आपको अपने दिन का 10 या 20% टाइम देना है पूरे दिन का। ये नहीं है कि एंक्लिक्स पकड़ के ही बैठे रहोगे आप, ठीक है। आपको टाइम को बहुत ही प्रिसाइजली यूज करना है, तो टाइम को आपको अच्छे से यूज करना है। और आप देखो ना, आप मैंने जो प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, जो इम्पॉर्टेंट वीडियोस बताए हैं, इम्पॉर्टेंट सोर्सेस, फ्री सोर्सेस बताए हैं, जहाँ वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करो डेली, वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। और एनक्लिक्स तो रहेगा ही, लेकिन एनक्लिक्स का पोर्शन कम है। मैं बार बार वही चीज़ कह रही हूँ कि एनक्लिक्स का पोर्शन कम है, तो उतना भी एनक्लिक्स को सर पर बैठा के नहीं चलना है कि बस एनक्लिक्स एनक्लिक्स एनक्लिक्स। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नॉर्थ सेट एग्जाम। और भी चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही हैं आप मुझे बता सकते हो, मैं कवर ट्राई करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके आपको नॉर्थ सेट से पहले पहले बताने का, समझाने का, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। सो थैंक यू।